नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में और जो बॉलीवुड में बुद्धिस्ट एक्टर्स हैं उनके बारे में, उनकी बुद्ध धम्म के बारे में क्या राय है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डैनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों डैनी की फिल्में आपने बचपन से देखी होगी। तो दोस्तों डैनी एक बुद्धिस्ट एक्टर है और उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में भी की है। दोस्तों उनका जन्म सिक्किम में एक बुद्ध परिवार में हुआ था और वे अभी भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वे भारत के सबसे वरिष्ठ बौद्ध अभिनेताओं में से एक है। एक इंटरव्यू में डैनी ने कहा था कि मैं अपनी परवरिश और बौद्ध धर्म के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों को श्रेय देता। आज लोग इसे धर्म कहते हैं लेकिन ये वास्तव में एक दर्शन है। मैं अपने काम में शांति खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करता। तो दोस्तों ये थे डैनी के बुद्ध धर्म के बारे में विचार। तो दोस्तों अगले जो एक्टर है वो है जितेंद्र। तो दोस्तों जितेंद्र का आपने नाम तो सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने इनकी फिल्में भी ज़रूर देखी होगी। इनको आपने अभी तक देखा नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बॉलीवुड के 80-90 के दशक के बहुत जाने माने कलाकार रहे हैं और आपको बता देना चाहता हूँ ये भी एक बुद्धिस्ट एक्टर है। जितेंद्र एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध होने 2003 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बालाजी टेल फिल्म्स, बालाजी मोशन्स पिक्चर्स और एलईडी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। अभिनेता जितेंद्र निर्जेन बुद्ध धर्म के अनुयायी है। इसी तरह उनके बेटे तुषार कपूर भी बुद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं। तो दोस्तों अगला नाम है फेमस आयुष्मान खुराना का। तो दोस्तों आपने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा और इनके पिक्चर भी आपने ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता, गायक, लेखक और टेलीविज़न होस्ट है जो कि हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप बौद्ध धर्म के अनुयायी है जिसने कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ईंधन प्रदान किया था। बौद्ध धर्म ने खुराना को एक अभिनेता के रूप में अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद की। आयुष्मान खुराना कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का अभ्यास करता हूँ। इसने मुझे सिखाया है कि आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है। इसका असर आपके शारीरिक अस्तित्व पर पड़ता है। सिद्धार्थ जाधव ने एक अपने काफ़ी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद अपने मेहनत के दम पर आज मराठी इंडस्ट्री में एक उच्च लेवल तक आ गए हैं जहाँ तक आज किसी लोगों के लिए पहुँचना मुश्किल बात हो गई है। तो दोस्तों सिद्धार्थ जाधव भी एक बहुत बड़े मराठी इंडस्ट्री के बुद्धिस्ट एक्टर है। बुद्ध पार्श्वभूमि वाला यह अभिनेता महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले बौद्ध समुदाय से आते हैं। सिद्धार्थ जाधव मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध बौद्ध अभिनेता में से एक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।